हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने अपने फोन के अंदर जो भी कॉल फॉरवर्ड की होगी उसे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपने जो कॉल फॉरवर्ड की है उसे आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे, इस वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी कॉल स्टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कॉलिंग अकाउंट मिल जाता है, कॉलिंग अकाउंट में जाएंगे। कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कैरियर कॉल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल फॉरवर्ड। कॉल फॉरवर्डिंग पर आपको क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से आपको वेट कर लेना है। यहाँ से आपकी सेटिंग रीडिंग कर रहा है, सेटिंग रीडिंग कर रहा है आपको। यहाँ से लगभग 1 से 2 मिनट का समय ले लेता है ये सेटिंग रीडिंग करने में कंप्लीट में। थोड़ी देर आपको यहाँ वेट कर लेना है। तो फाइनली जो हमारी सेटिंग रीडिंग कर रहा था वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज फॉरवर्डिंग। इसे आपको स्टॉप करने के लिए तो सिंपली आप इसे ऑफ करेंगे। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे तो यहाँ से ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद आपके यहाँ से जो भी आपने कॉल फॉरवर्ड की थी वो सारी आपकी वापस से इसी नंबर पर आ जाएंगी जिसमें आपकी सिम पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपनी कॉल जो फॉरवर्ड की उसे आप स्टॉप करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।